हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योगी सर जेके जीएस में। तो आज की शुरुआत होगी हमारी संविधान की। तो संविधान को शुरुआत से पढ़ेंगे और शिखर तक पढ़ेंगे। संविधान से संबंधित जितने भी वीडियो बनेंगी आपको वो सारी की सारी इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होंगी, ठीक है, मिल जाएंगी आपको सारी की सारी वीडियो इसी चैनल पर आ जाएंगी। अब देखिए, संविधान की शुरुआत में बात करते हैं तो संविधान क्या है। तो संविधान में बाबू ध्यान दें, संविधान नियम और कानून, याद रखिए संविधान के अंदर दो चीज होती है, एक तो नियम होता है और दूसरा कानून होता है, समझे ना। तो आप जानते हैं नियम और कानून का ऐसा संग्रह, ध्यान दें परिभाषा को हम शॉर्ट में बता रहे हैं। संविधान क्या है? तो नियम और कानून का ऐसा संग्रह जिससे सरकार शासन चलाती है, जिससे सरकार क्या चलाती है, शासन चलाती है। अब इसके बाद जो आपको अपने माइंड में सेट करना है, इसके बाद सेट करना है संविधान शब्द, सर्वप्रथम संविधान का शब्द, सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किसने किया था, अर्थात मेरे कहने का मतलब है संविधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, दुनिया में ऐसा कौन शख्स था जिसके दिमाग में सबसे पहले संविधान शब्द आया, और ऐसा कौन शख्स था जिसने सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किया। तो वो है सर हेनरी मैन। कौन है? सर हेनरी मैन। याद रखिए कहाँ के हैं? ब्रिटिश नागरिक हैं। तो सर हेनरी मैन ब्रिटिश नागरिक हैं, इन्होंने ही सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग, मतलब प्रयोग में लिया था, ठीक है, याद रखिए। अब तीसरे नंबर पे आपको जो याद करना है, आपको जो आपने अपने नोटबुक में जो आपको लिखना है ये चीज नोट करनी है, संविधान का पिता अर्थात फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिया फादर ऑफ इंडियन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ये, है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का पिता। तो संविधान का पिता जो कहते हैं बच्चा, वो जेम्स मेडिसन को कहते हैं। संविधान का पिता जेम्स मेडिसन है। और हम बात करते हैं ये कौन है? अमेरिकी नागरिक हैं, याद रखिए जेम्स मेडिसन अमेरिका के व्यक्ति हैं। और दूसरा पॉइंट है इनसे अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति रहे, याद रखिए जेम्स मेडिसन अमेरिकी नागरिक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति रहे, अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति रहे। आप जानते हैं अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन? जॉर्ज वाशिंगटन। तो अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति कौन? जेम्स मेडिसन। संविधान के पिता कौन अमेरिका के? जेम्स मेडिसन। और अमेरिकी नागरिक है कौन? जेम्स मेडिसन। क्लियर है? लेकिन अगर बात आती है, याद रखिएगा अगर बात आती है कि भारतीय संविधान के पिता, बच्चा ये याद रखिए भारतीय संविधान के पिता, तो भारतीय संविधान के पिता कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। आप इतनी बात भली बातें जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान दें यहाँ क्वेश्चन क्या लिया हमने, शुरुआत कहाँ से की, एक तो संविधान क्या है, तो संविधान नियम कानून का ऐसा संग्रह जिससे सरकार शासन चलाती है, ओके। अब दूसरी बात है संविधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो संविधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर हेनरी मैन ने किया, और ये कहाँ के नागरिक हैं? ब्रिटिश नागरिक हैं, क्लियर। अब तीसरे नंबर पे जो आपको माइंड में सेट करना है कि संविधान के पिता, याद रखिए इंडिया के संविधान की बात नहीं कर रहे हम, ओनली कॉन्सेप्ट संविधान की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मतलब फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो जेम्स मेडिसन है, इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है कि भारतीय संविधान के पिता, तो भारतीय संविधान के पिता भीमराव अंबेडकर, इतनी बात होगी कंप्लीट। अब आता है इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है संविधान के प्रकार, याद रखिए संविधान के प्रकार मतलब कितने प्रकार के संविधान होते हैं, है ना। तो संविधान चार प्रकार के होते हैं, नंबर एक लिखित संविधान, नंबर दो अलिखित संविधान, और नंबर तीन होता है कठोर संविधान, और नंबर चार पे है देखिए लचीला संविधान, है ना। तो बोलिए नंबर एक पर लिखित संविधान, नंबर दो पर लिखित अलिखित संविधान, नंबर तीन पर कठोर संविधान, और नंबर चार पर लचीला संविधान, ठीक है। तो जैसे कि हम हालांकि इनको सबको पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे सारी चीज। तो लिखित संविधान है इंडिया का और अमेरिका का, हालांकि और भी बहुत देशों पर लिखित संविधान है, लेकिन आपको एग्जाम्पल में यही याद करना है इंडिया और अमेरिका, ठीक है। अलिखित इंग्लैंड इजराइल सऊदी अरब, इंग्लैंड इजराइल सऊदी अरब, मतलब मौखिक संविधान है इंग्लैंड इजराइल सऊदी अरब, क्लियर। अब बात करते कठोर संविधान है, दुनिया में सबसे ज्यादा कठोर, सबसे मजबूत, सबसे कठोर जो है सब हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो यूएसए का, यूएसए बोले तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब बात करते हैं लचीला संविधान किस देश का है, तो लचीला है इंग्लैंड का, इंग्लैंड बोले तो ब्रिटेन बोले, समझे ना। तो अब हम जो देखते हैं, अब आगे हम पढ़ते हैं कि लिखित संविधान कैसे होते हैं, है ना, इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक नंबर पर लिखा हुआ है लिखित संविधान, अभी जैसे कि हमने बोला नंबर एक पर लिखित संविधान, नंबर दो पर अलिखित संविधान, और नंबर तीन पर कठोर संविधान, है ना। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं लिखित संविधान की, तो लिखित संविधान से क्या हमको पढ़ना है, लिखित संविधान कैसा है, तो ध्यान देंगे तो लिखित, भाई एक बात बताइए, जिस देश संविधान में क्या है, नियम और कानून, तो जिस देश के संविधान में नियम कानून लिखित रूप में होंगे तो वह संविधान कैसा होगा,
होगा, लिखित संविधान होगा नहीं होगा। तो नियम कानून अगर लिखित अवस्था में है तो लिखित कानून है, क्लियर। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, निर्माण जो होता है बच्चा, लिखित संविधान का निर्माण जो करता है वो सभा के द्वारा होता है, जैसे कि संविधान सभा के द्वारा होगा या फिर दूसरा पॉइंट सम्मेलन के दौरान होगा, क्लियर है। तीसरा पॉइंट है कि लिखित संविधान में याद रखिए, लिखित संविधान तैयार होने की तारीख निश्चित होती है, याद करो भारतीय संविधान के तैयार होने की तारीख 26 नवंबर 1949 है, नहीं है तारीख, है ना। तो तैयार होने की तारीख क्या होती है, निश्चित होती है, याद रखिए तैयार होने की तारीख क्या होती है, निश्चित होती है। अगला पॉइंट है लागू होने की तारीख क्या होती है, तो लागू होने की तारीख भी कैसी होती है, निश्चित होती है। याद करो भारतीय संविधान कब लागू हुआ, कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्लियर है जी। अब इसके बाद हम बात करते हैं लिखित संविधान में एग्जाम्पल में यदि हमको याद करना है तो दो देश याद करिएगा, तो एक अमेरिका और दूसरा इंडिया, यूएसए और इंडिया। अब हम देखते हैं अमेरिका के बारे में पहले, तो अमेरिका के संविधान का निर्माण देखिए, आया नहीं आया, देखिए लिखित संविधान, तो लिखित संविधान में नियम कानून लिखित अवस्था में होते हैं, निर्माण सभा या सम्मेलन के दौरान होता है, तैयार होने की तारीख निश्चित होती है, लागू होने की तारीख निश्चित होती है। तो अब बात करते हैं अमेरिका, तो अमेरिका के संविधान का निर्माण जो हुआ है तो वो फिलाडेल्फिया सम्मेलन, याद रखिए, देखिए फिर हमने बोला क्या सभा के द्वारा होगा या सम्मेलन के दौरान होगा, क्लियर है। तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन के दौरान अमेरिका संविधान का निर्माण हुआ है, क्लियर। अब बात करते हैं तैयार जो हुआ है, तो बाबू ये तैयार कब हुआ, तो 1787 में ये तैयार हुआ है। अब हम बात करते हैं तैयार के बाद लागू, तो देखिए तैयार के बाद क्या है, लागू इंक्लूड होना, तो इंक्लूड कब हुआ, 1789 को लागू हुआ, मतलब 1789 को लागू हुआ, 1787 में ये तैयार हुआ और 1789 को लागू हुआ, अर्थात 2 साल पहले ये बनकर तैयार हो गया और 2 साल के बाद ये लागू हुआ। मतलब मेरा कहने का मतलब 1787 में ये तैयार हो गया बनकर भैया और 1789 में ये लागू हो गया, देश को समर्पित हो गया, क्लियर है। अब देखिए एक बात और याद रखिए, भारतीय संविधान 2 महीने के बाद लागू हुआ है और अमेरिका का संविधान 2 साल के बाद लागू हुआ है, समझे नहीं। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल में देख लेते हैं इंडिया, तो ये अमेरिका के बारे में हो गया। अब देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आप, है ना, तो ये अमेरिका के बारे में, अब इंडिया के बारे में देखिए, तो इंडिया का मतलब भारत, तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ, हम जानते हैं, आगे पढ़ाएंगे। अब आगे बात तैयार, यानी तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को अमेरिका भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, अभी बताया था नहीं। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, ठीक है। याद रखिए आंशिक रूप से भारतीय संविधान इस तारीख को लागू हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान इस तारीख को लागू हुआ था, क्लियर है, आगे चलकर बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए लिखित संविधान हमारा कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम्पल भी इसमें भारत और अमेरिका से लेना है, वो हमने भी बता दिया है। हम बात करते हैं नंबर 2 पर, अपलिखित या मौखिक संविधान। अपलिखित या मौखिक संविधान कैसे संविधान होते हैं बाबू, नहीं तो याद रखिए, जिन देशों के संविधानों का, जिन देशों में नियम कानून लिखित अवस्था में नहीं होंगे, तो याद रखिए भाई यहाँ आपको कंपेयर करना है, लिखित में तो नियम कानून लिखित होंगे, लेकिन अलिखित में नियम कानून लिखित नहीं होंगे, याद रखिएगा, है ना, वहां पर नियम कानून किस आधार पर होंगे, तो वहां नियम कानून परंपरा रीति रिवाज पर आधारित होते हैं, क्लियर है। लिखित में तो नियम कानून लिखित अवस्था में होते हैं, लेकिन अलिखित में नियम कानून रीति रिवाज या परंपरा पर आधारित होते हैं, क्लियर, पहला पॉइंट। अब बात करते हैं निर्माण की, तो बाबू निर्माण नहीं किया जाता, सपोज करो आज कोई परंपरा बन गई, तो वो आज बनी हुई परंपरा वो आगे तक लागू रहेगी, तो वो एक कानून बन गया, तो जैसे जैसे परंपराएं रीति रिवाज बनती रहती हैं, वैसे ही संविधान का निर्माण होता रहता है, क्लियर है। तो संविधान का निर्माण यहाँ एक निश्चित तारीख को नहीं होता है। अगला पॉइंट है तैयार होने की तारीख, देखो जैसे कि अभी हमने बताया इधर तैयार होने की तारीख निश्चित होती है, लेकिन यहाँ तैयार होने की तारीख अनिश्चित होती है, समझ में आई बात नहीं। तो इधर लिखित संविधान में तैयार होने की तारीख निश्चित है, लेकिन अलिखित में तैयार होने की तारीख अनिश्चित, सॉरी यहाँ निश्चित है और यहाँ अनिश्चित है, क्लियर। अब बात करते हैं लागू होने की तारीख, तो लागू होने की तारीख भी क्या है, यहाँ निश्चित है, मतलब सॉरी अनिश्चित है, क्लियर है ना, इधर निश्चित है और इधर अनिश्चित है, लिखित में तो निश्चित है और अलिखित में अनिश्चित है, ठीक है। आगे बात करते हैं एग्जांपल, तो एग्जांपल में बात करेंगे इंग्लैंड या ब्रिटेन, दूसरा देश इजराइल और तीसरा देश बताएंगे अब सऊदी अरब, तो इंग्लैंड सऊदी अरब इजराइल, ठीक है। लिखित में आप लेंगे यूएसए इंडिया, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए लिखित में आपका, सॉरी अलिखित आपका कंप्लीट, अलिखित आपका मौखिक आपका कंप्लीट,
बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस देश का संविधान अलिखित है, मौखिक है, तो हम बताएंगे ब्रिटेन का। लेकिन ब्रिटेन के साथ साथ इजराइल भी याद रखिए, सऊदी अरब भी याद रखिए, कनाडा भी याद रखिए, ठीक है। स्पेस नहीं था इतना यहाँ, इसलिए हमने नहीं लिख पाए, लेकिन कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलिखित ही मौखिक है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नंबर तीन पर, कठोर संविधान। जैसे कि हमने पीछे बताया, अभी एक नंबर पर लिखित, दो नंबर पर अलिखित, और तीन नंबर पर कठोर, और चार नंबर पर लचीला। तो अब बात करते हैं कठोर संविधान की। है भैया, कठोर संविधान कैसे, मतलब कठोर कैसे, ये कठोर ज्यादा कठोर कैसे हैं, ये पत्थरों पत्थर के समान है क्या, पत्थर पे लिखा हुआ है क्या संविधान यहाँ का, नहीं 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 नहीं। कठोर का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझिए। संशोधन या जिस संविधान में संशोधन मतलब अमेंडमेंट, संशोधन की प्रक्रिया मतलब स्टेप जटिल होगा, जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जटिल होगी, उस देश के संविधान को कठोर संविधान कहा जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं एग्जांपल, तो विश्व में सबसे ज्यादा कठोर संविधान किसका है, अमेरिका का है, बताएंगे अभी आगे। तो विश्व में सबसे ज्यादा कठोर संविधान अमेरिका का है, यूएसए का है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान के बारे में, कठोर कैसे है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आज तो चलो हमने आपको इतना बता दिया, आपने इतना याद कर लिया, लेकिन कभी इत्तेफाक आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर कठोर किस वजह से है, इसके बारे में तो पता चलना चाहिए ना। तो कठोर के पीछे क्या रीजन है, उसको समझिए पहले। तो देखिए, अमेरिका के संविधान में एक अनुच्छेद है जिसको कहते हैं पांच। अमेरिका के संविधान में एक अनुच्छेद है पांच, तो उसके अंतर्गत अमेरिकी संसद पहले इसको समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। अनुच्छेद पांच के तहत अमेरिकी संसद का नाम कांग्रेस है। तो अमेरिकी संसद में संशोधन ऑफर आता है, अमेंडमेंट ऑफर आता है सबसे पहले, और वो अमेंडमेंट ऑफर दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। कितने बहुमत से, दो तिहाई बहुमत से वो पारित होना चाहिए। ध्यान दें, ये स्टेप तो हमारे में भी है। आप कहेंगे सर ये तो स्टेप हमारे में भी, रुक जाइए अभी, तो पहले एक बार समझिए। अनुच्छेद पांच के तहत अमेरिकी संसद में संशोधन अमेंडमेंट या अमेंडमेंट ऑफर आता है, और उसके तहत दोनों सदनों से वह ऑफर पारित होना चाहिए। कितने बहुमत से, दो तिहाई बहुमत से, याद रखिए। आगे ये एक स्टेप था, जो कठोर स्टेप है, कठोर जो है किस वजह से कठोर है, अब उसको समझिए। ये ऊपर एरो देख रहे हैं, तो जब दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाएगा, मतलब मेरा कहने का है संसद से पारित हो जाएगा ये बिल, तो उसके बाद ये अमेरिका के राज्यों के अंदर जाएगा। तो जितने भी राज्य हैं, तो उन राज्यों का कम से कम तीन चौथाई राज्यों के विधानमंडल से ये अनुमोदन होना चाहिए। मतलब समझे कि भैया संसद तो पास करके देगी दो तिहाई बहुमत से, लेकिन उसके अंदर भारत अमेरिका के अंदर जितना भी राज्य है, कम से कम तीन चौथाई राज्यों से ये बिल पास हो जाना जरूरी है। और जब ये तीन चौथाई राज्यों से पास हो जाएगा, तो फिर ये संशोधन माना जाएगा। समझ में आई बात नहीं। तो बाबू, इसी वजह से कहीं ना कहीं ये संविधान बहुत ज्यादा कठोर है ना। तो इस कठोर इसकी वजह से, इस कंडीशन की वजह से अमेरिका के संविधान में अब तक कुल 27 बार संशोधन हुआ है, याद रखिए। इसी की वजह से अब तक कुल 27 बार संशोधन हुआ है। और भारत के संविधान में आप जानते हैं 100 से ऊपर पहुंच गया है ना। तो अमेरिका के संविधान में कुल 27 बार संशोधन हुआ है। क्या वजह है कि इसकी वजह से तीन चौथाई राज्यों के विधानमंडल से अनुमोदन है ना, बहुत कमी से हो पाता है, तब जाके संशोधन होता है। तो याद रखिए, अमेरिका के संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 5 में वर्णन है, और भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। अमेरिका के संविधान में संशोधन अनुच्छेद 5 के तहत होता है। अमेरिकी संसद का नाम कांग्रेस है ना। जैसे कि हम आने वाले समय में अमेरिका पर एक वीडियो जरूर लाएंगे। अब ये सारी चीज आप समझ गए हैं। तो देखिए, लिखित आप समझ गए, अलिखित आप समझ गए, कठोर आप समझ गए। अब बचता है नंबर चार, लचीला संविधान। तो अब जो हम बात करेंगे नंबर चार पर बात करेंगे, तो देखिए नंबर चार पर है लचीला संविधान। जैसे कि अभी हमने बताया नंबर तीन पर कठोर, नंबर चार पर लचीला संविधान, समझे ना। अब लचीला संविधान कैसा होता है, लचीला मतलब कैसा, ऐसा नहीं है कि संविधान लचीला है। अब ये कारण क्या है इसका समझिएगा, तो आप समझ गए होंगे। जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आसान होगी, भाई कठोर का क्या है, जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, हार्ड है, तो वह कैसा है, हार्ड
कैसा संविधान है? हार्ड संविधान है, लेकिन जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सरल आसान होगी वह संविधान लचीला संविधान कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा जो लचीला संविधान है वो ब्रिटेन का है बाबू, याद रखिएगा। देखिए, सबसे ज्यादा कठोर यानी सर्वाधिक कठोर संविधान अमेरिका का है और सबसे ज्यादा लचीला संविधान ब्रिटेन इंग्लैंड का है। क्लियर है? नहीं जी। तो सबसे ज्यादा लचीला है ब्रिटेन इंग्लैंड का। अभी कैसे है इसके बारे में समझिए। अब ब्रिटेन या इंग्लैंड, अब कैसे हो? देखिए, इंग्लैंड या ब्रिटेन के अंदर जो संसद है वो संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। जैसे कि अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस था, ऐसे ही इंग्लैंड की संसद को हम पार्लियामेंट बोलते हैं और भारत की संसद को भी हम पार्लियामेंट ही बोलते हैं, याद रखिए। भारतीय संसद इंग्लैंड, ये इंग्लैंड की संसद के मॉडल पर आधारित है, इंग्लैंड के जैसी है, समझे ना। चले आगे बताएंगे हम ये बात। तो ब्रिटेन के जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसके अंदर दो क्या है, हाउस है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और दूसरा हाउस ऑफ कॉमन्स से, याद रखिएगा, है ना। तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और ये हाउस ऑफ कॉमन्स है। अब इस इन दोनों सदनों से साधारण बहुमत, दोनों सदनों से साधारण बहुमत अगर मिल जाएगा, इन दोनों सदनों से साधारण बहुमत अगर मिल जाएगा तो वह संशोधन माना जाएगा, समझ में आई बात नहीं। लेकिन अमेरिका में क्या है भाई, दोनों सदनों से दो तिहाई बहुमत, फिर उसके बाद क्या है, कम से कम तीन चौथाई राज्यों से, तीन चौथाई राज्यों के विधानमंडल से अनुमोदन होना चाहिए, तब जाके राष्ट्रपति की अनुमति मिलेगी, समझे। लेकिन यहाँ इंग्लैंड में ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है नहीं बात में? चलिए, तो ये समझ गए ये वाला, तो नंबर चार भी आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो आपको थोड़ा समझना है, इसके बाद आप थोड़ा सा भारतीय संविधान के बारे में ध्यान देंगे। आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है यहाँ से कि भारतीय संविधान कैसा है, भारतीय संविधान कैसा है। तो देखिए, ना तो कठोर भी है और क्या है, देखिए दोनों दोनों चीजों को समझिए। भारतीय संविधान कठोर, ठीक है, दोनों साइड में आ गया। अब बात करते हैं नए, पहला पॉइंट है नए अधिक कठोर है, नए अधिक कठोर है, मतलब अमेरिका के जैसा भी नहीं है, ठीक है, और नए ही अधिक लचीला है, याद रखिए। हम ब्रिटेन के जैसा नहीं है, हम मतलब अपना जो संविधान है ना तो ब्रिटेन के जैसा है, ये वाली कंडीशन नहीं होती अपने यहाँ, अब बताया था ना आपको अभी, तो अब हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो नए अधिक कठोर है और नए ही अधिक लचीला है, क्लियर है। तो फिर कैसा है, तो आपको ये विकल्प देना पड़ेगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान कैसा है, तो आपको भी आंसर देना है सर नए अधिक कठोर है और नए ही अधिक लचीला है, क्लियर है ना। अब समझिए आगे, तो भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में जो संशोधन है होता है, संशोधन का स्टेप समझिए, है ना। तो आप कैसे समझेंगे कठोर या आसान है, तो देखिए भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है 368, आप जानते हैं भली भांति। तो 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है और आप जानते हैं भाग 18 भाग 20 के अंतर्गत आता है, ठीक है, आप इस बात को समझिए अच्छे से। ये भारतीय संविधान के भाग 20 में आता है और अनुच्छेद 368 है, और ये संविधान संशोधन जो है ये हमने प्रक्रिया साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद के अंदर होगा ये काम, तो संसद के दो हाउस हैं, एक तो राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा में दोनों सदनों से बहुमत कितना मिलना चाहिए, दो तिहाई बहुमत से ये बिल पारित होना चाहिए। यदि ये ऑफर दो तिहाई बहुमत से दोनों सदनों से पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति अनुमति देते हैं, और राष्ट्रपति की अनुमति जहां मिली तो ये संशोधन माना जाता है, समझ में आई बात नहीं। तो याद रखिए अपने यहाँ क्या है, तो हमारे यहाँ भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है जी। तो संसद में चले, तो संसद के दो हाउस हैं, एक राज्यसभा जो है ना, राज्य अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस जो है वो लोकसभा है। अब दोनों सदनों से बहुमत होना कितना मिलना चाहिए, दो तिहाई बहुमत से बिल पारित हो जाना चाहिए। जब दो तिहाई बहुमत से पास हो जाएगा तो उसके बाद राष्ट्रपति क्या देंगे, अनुमति देंगे, और अनुमति मिलने के बाद ही संशोधन माना जाएगा, समझ में आई बात इतनी जी। तो हम जैसे बताया था, देखिए इस विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट है विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान, विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान। देखिए यहाँ विश्व में सबसे बड़ा संविधान है लिखित, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यहाँ विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान है। आगे एशिया में सबसे पहला लिखित संविधान, भाई हम किस महाद्वीप के हैं, एशिया महाद्वीप के हैं, तो हमको पता होना चाहिए ना एशिया में सबसे पहला लिखित संविधान कौन से देश के पास आया है ना। चलिए इतनी बात हम समझ रहे हैं, और एक बात और याद रखनी, यूरोप में भी याद रखिएगा ना, यहाँ हम नोट करना भूल गए हैं, एक मिनट हम आपको बता देते हैं यूरोप में, है ना, तो यूरोप में भी बात करेंगे, क्लियर है। चलिए तो अब हम समझ लेते हैं इसको, समझिए कैसे।
तो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है ना। तो भारत के संविधान, तो भारत के संविधान से दो कंडीशन बनती है, एक तो वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और एक आज का संविधान मतलब कि वर्तमान का संविधान। ध्यान दें तो जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसको मूल संविधान कहते हैं। याद रखिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में जब आप संविधान पढ़ते हैं तो ये चीज बहुत आती है, मूल संविधान। तो मूल संविधान क्या है? तो मूल संविधान जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ वो मूल संविधान है, ठीक। और वर्तमान वाला, तो वर्तमान आप जानते हैं जो आज का वर्तमान संविधान है। तो मूल संविधान में कुल शब्द थे 117,369। याद रखिए मूल संविधान में शब्दों की संख्या है 117,369, है ना। लगभग में आता है क्वेश्चन, वर्तमान में कुल शब्द है 146,386, कहीं 385 कहीं 386। जिन बच्चों को हमने ऑफलाइन पढ़ाया है तो वो कहीं ना कहीं उनको हमने 385 भी बताया होगा, तो आप वो टेंशन ना लें, तो 385 386 चल जाता है, ठीक है, समथिंग लगभग इतना आ जाता है। तो आई होप इतनी बात समझ गए। अब हम बात करते हैं विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान। तो विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का संविधान है, और मोनाको के संविधान में शब्दों की संख्या है 3,814। मोनाको के संविधान में शब्दों की संख्या है, जो कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। याद रखिए विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, क्लियर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं एशिया में बाबू। तो एशिया में सबसे पहला लिखित संविधान, हम मतलब महाद्वीप कितने हैं भाई विश्व के अंदर? महाद्वीप हैं 7, और 7 में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, है ना, इस प्रकार से। तो एशिया में सबसे पहला लिखित संविधान किसके पास आया? तो सबसे पहला लिखित संविधान जापान में आया। याद रखिए दुनिया में सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका के पास आया, एशिया में सबसे पहला लिखित संविधान जापान के पास आया, यूरोप में सबसे पहला संविधान नीदरलैंड होलैंड के पास आया, समझे ना। चलिए आगे समझिए। तो जापान के संविधान को बच्चा शांति संविधान कहते हैं, ये आई बात, ये आएगा एग्जाम में, समझे ना। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन तो ये है ना कि शांति संविधान किसको कहते हैं, तो बाबू याद रखिएगा शांति संविधान जापान के संविधान को कहते हैं। क्यों कहते हैं शांति संविधान? क्योंकि यह गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित है। आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि कौन सा संविधान, किस देश का संविधान गौतम बुद्ध के विचारों से इफेक्टेड है, तो वो कौन सा संविधान है? जापान का संविधान, क्लियर है। तो याद रखिए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान लिखित छोटा, और एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान, क्लियर है। अब बात करते हैं हम यूरोप में। तो यूरोप में सबसे पहला, तो यूरोप में सबसे पहला लिखित संविधान, याद रखिए यूरोप में सबसे पहला लिखित संविधान, जी बाबू जिस पोजीशन में भी आप है ना, तो इन पॉइंटों को आप अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन जरूर कीजिएगा, समझे ना। ये बहुत अच्छे से मेहनत किया है हमने, कई घंटे की मेहनत है जो आप लोगों को हम 20-25-30 मिनट में मतलब अवेलेबल करा रहे हैं, समझे ना भैया। तो विश्व यूरोप में सबसे पहला लिखित संविधान जो है, यूरोप के अंदर सबसे पहला लिखित संविधान होलैंड का है, होलैंड। अब होलैंड का क्या है, होलैंड का नाम चेंज हो गया, नाम हो गया नीदरलैंड। अब बहुत बच्चे ओल्ड बुक पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है नीदर होलैंड, और जो बच्चे नई बुक पढ़ते हैं तो उसमें नीदरलैंड मिलता है। अब देखिए जो शुरुआत में बच्चा जो अभी कंपटीशन में आया है ना, जिस जुर्म की दुनिया में आया है, तो वो बच्चा इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा होगा कि सर होलैंड का नाम नीदरलैंड। तो याद रखिएगा ये कॉम्पिटिशन क्या कहता है, ये फील्ड क्या कहता है कि इसमें आप निरंतर प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन जरूर आएगा कि आपकी सफलता आपके चरण चूम लेगी। याद रखना बस निरंतर आपको प्रयास करते रहना है, आपको इधर उधर की बातों में नहीं आना है। इधर उधर के लोगों को देखोगे कि हमने भी कोचिंग किया, हमने भी तैयारी किया, हमारा तो कुछ नहीं हुआ भैया, पेपर आउट हो जाता है, लीक हो जाता है, पैसे वालों का काम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप निरंतर मेहनत करते जाएंगे तो एक दिन सफलता आपको जरूर कदम चूम लेगी, समझे। बस अपने आप पर विश्वास कीजिए, सब जो कुछ है सब वो अपने आप है, वो खुद हैं आप, जो कुछ हैं वो आप हैं, याद रखना इस चीज को। तो विश्व में यूरोप में सबसे पहला लिखित संविधान होलैंड, होलैंड का नाम नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी आप जानते हैं एमस्टरडम है। एक बात और याद रखिए, ध्यान रहे, विश्व में सबसे छोटा दूसरा संविधान, देखिए विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान नंबर एक सबसे छोटा मोनाको, लेकिन विश्व में सबसे छोटा दूसरा संविधान यूएसए का संविधान है बाबू, याद रखना इस बात को। कुछ जगह है, कुछ बुकों में मैंने ये देखा है अक्सर लिखा हुआ विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान यूएसए है, लेकिन याद रखिएगा यूएसए नहीं है सबसे छोटा लिखित संविधान, मोनाको है,
किस वजह से बताएंगे, क्योंकि इसमें संविधान इसमें शब्दों की संख्या है 4514। याद रखिए लगभग अमेरिका के संविधान में शब्दों की संख्या 4514 है और मोनाको के संविधान में संख्या 3814 है। तो आप खुद ही बताइए सबसे छोटा कौन सा हुआ, मोनाको हुआ या अमेरिका हुआ, बताइए। तो सबसे छोटा तो मोनाको, फिर दूसरे नंबर पर अमेरिका हो गया, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का हो गया। भारत के संविधान में शब्दों की संख्या दो कंडीशन बनती है, मूल संविधान में 1,70,369 और वर्तमान के संविधान में 1,46,386। आई होप इतनी बात समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं, जो है एक बात और बताएं बाबू, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये आपको कंटेंट अच्छा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार भारत माता की जय जय।